आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। हर मंत्रिमंडल के बैठक के बाद, कैबिनेट के बैठक के बाद आदरणीय चौबे जी और आदरणीय अकबर जी दोनों संबोधित करते रहे हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं तो मैंने कहा कि मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ और कुछ बातें मैं कहूँगा, उसके बाद हमारे दोनों मंत्री आपसे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि लोगों की डिमांड भी थी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था, अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें SC और OBC अलग अलग विभाग होंगे, ST का अलग विभाग होगा, तीन विभाग होंगे इसका, जिससे सभी विभागों के अनुसूचित जाति विभाग के अन्य पिछड़े वर्ग विभाग के और ट्राइबल के काम है वो सुचारू रूप से संचालित हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ जिस प्रकार से ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बना था, अभी बना है, संवैधानिक व्यवस्था है, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का निर्माण होगा, जिससे इन वर्ग के लोग शासन तक के अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से SC एडवाइजरी कमेटी और OBC एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। और इसमें सभी पूरे प्रदेश भर के जो से सदस्य इसमें लिए जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण, दो महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिया गया है। और तीसरा निर्णय, अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा। और इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होगी, उसमें बच्चे भी खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग भी खेलेंगे, महिलाएं भी होंगी, तो सभी लोग इसमें भाग ले सकेंगे, उम्र की कोई सीमा नहीं और हर प्रकार के खेल का इसमें आयोजन होगा। चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो कृषि के क्षेत्र में, अभी कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिलेगा, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, फल है, उद्यान है, मछली पालन है, इसमें इस सबको जोड़ा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, अभी तक के हम लोग उसकी सीमाएं कम थी, अब उसे बढ़ा के 3 लाख तक के कर दिया गया है। अलग अलग फल में, सब्जी में अलग अलग ऋण व्यवस्था होती थी, तो उसमें निश्चित सीमा रहता था कि जिसमें 0% ब्याज देते थे, अब उसे बढ़ा के 3 लाख तक उस सीमा को बढ़ा दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला कि पूरे प्रदेश में अब चूँकि ऊर्जा उत्पादन में अब बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, और सोलर लाइट से ही हम लोग बिजली उत्पादन उसको बढ़ावा देने के लिए, सोलर को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन सोलर से जो बिजली मिलती है वो दिन को ही है। ऐसे में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं तो उसके ऊपर में एक छोटा वाटर बॉडी बना दिया जाए, और दिन भर में जितना बिजली वो पैदा करेंगे सोलर से,
तो उसे पंपिंग करके ऊपर के तालाब में भर दिया जाए और फिर से उसे हाइड्रल प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग करें ताकि रात को भी बिजली मिल सके। इस योजना को भी हम लोग हाथ में लिए हैं। और एक और महत्वपूर्ण फैसला कि जितने भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन हैं 11 के बी के, अब उसमें ग्रिड से जोड़ने की बात होती है और इसलिए उस जमीन उस ग्रिड के नीचे में कोई यदि बिजली उत्पादन करना चाहे सोलर का, तो फिर शासकीय भूमि है तो उसे 1 रुपया की दर पे उपलब्ध कराएंगे नॉमिनल रेट पे। और दूसरा, यदि किसान के खेत यदि पड़ रहा है और किसान यदि सहमत है, उसकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा, यदि वो सहमत है और अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है तो फिर 25 साल के लिए चूँकि एग्रीमेंट होगा और वो 30,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से उसे रेंट मिलेगा और 6% हर साल उसमें वृद्धि होगी। और 25 साल के बाद यदि किसान नहीं चाहे तो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और वो अपना जितने भी सोलर पैनल वगैरह जो लगा है वो हटा लेगा। यदि सहमत हैं तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो एक बहुत क्रांतिकारी एक निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में अभी तक के करीब 48 संगठन हैं, उसे 5,67,641 वर्ग फीट जमीन, जो लगभग हम लोग जो 10% के हिसाब से हम लोग सब्सिडी रेट में जो दिए हैं संगठनों को, 48 संगठनों में, उसकी कीमत करीब 13,70,00,000 रुपये होता है और उसे मात्र 1,90,00,000 रुपया में उस जमीन हम लोगों ने दिया है सामाजिक संगठनों को, ताकि वो भी शहर में अपना भवन बना सके। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण और भी फैसले हुए हैं, तो इसकी जानकारी आदरणीय चौबे जी। शिक्षक भर्ती, हाँ, शिक्षक भर्ती की बात है, लगभग 12,000 कितना आंकड़े बताएं थोड़ा सा, 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं उसके भर्ती की अनुमति दे दी गई है, जो व्यापम से उसकी भर्ती की जाएगी। इस प्रकार के फैसले हुए हैं। और विस्तार से कुछ जानकारी देना चाहें चौबे जी, सागर मंत्री। आज की मंत्रिमंडल की 48वीं बैठक में 14 प्रस्ताव थे, उसमें से अधिकांश जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अवगत कराया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है शिक्षकों की भर्ती का, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड करने का। लगभग 12,500 शिक्षकों की भर्ती का, एससी एसटी और ओबीसी के अलग से एडवाइजरी बोर्ड बनाने का और अलग से डायरेक्टरेट बनाने का, और हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए पहले ब्याज 1,00,000 तक 1% में और 3,00,000 तक 3% में होता था, तो शॉर्ट टर्म लोन में जैसे दिगर खरीफ फसलों में 0% ब्याज पे, ये कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। ये लगभग अधिकांश महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अवगत कराया। और जो अन्य निर्णय हुए हैं, छत्तीसगढ़ में राजधानी को बने लगभग अभी 22 वर्ष हमारा राजधानी हो गया है, सारे विभागों के भवन हैं, महानदी इंद्रावती शिवनाथ से लेकर के कृषि विभाग के लिए भी भवन बनाना है नया राजधानी में, तो कृषि विभाग के भवन के लिए भी जगह का आवंटन आज के मंत्री मंडल के बैठक में निर्णय किया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, PWD में मानचित्रकार की भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल से परीक्षा हुआ था, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट और लिस्ट की वैलिडिटी थी वो समाप्त हो चुकी थी, लोग बहुत मांग कर रहे थे, तो आज उनकी वैलिडिटी को बढ़ा करके उन मानचित्रकारों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। एक अन्य निर्णय में जो सर्विस रोड होता है केनाल पे जल संसाधन विभाग का,
हम लोग विभाग के द्वारा भी उसमें सड़क का निर्माण करते हैं और उसमें मुरम टॉपिंग का ही निर्णय प्रावधानित है, लेकिन आजकल जरूरत को देखते हुए कनेक्टिविटी के कारण उसमें कभी कभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा गिट्टीकरण भी किया जाता है, बीटी रोड भी बनाया जाता है। आज के मंत्रिपरिषद के निर्णय में ये निर्णय हुआ कि उन मार्गों का संधारण और बनाने का अनुमति तो जल संसाधन विभाग देगा, लेकिन ये सारे विभाग जो जिनके द्वारा चाहे पीएमजेएसवाई के हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे रूरल ग्रामीण मुख्यमंत्री सड़क निर्माण में, तो उसके द्वारा इसको किया जाएगा। एक अन्य निर्णय में जो शहरी क्षेत्र के प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लगभग 2000 करोड़ के अधिक का और ऋण का था, उसकी बैंकों के साथ जो चर्चा चल रही थी, तो जो इस योजना के अंतर्गत इसको सहमति दी गई और शहरी क्षेत्र के आवास के लिए भी इसका निर्णय लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और ये हुआ है, छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत हुई थी, एक कांकेर, कोरबा और महासमुंद में, तीनों में एडमिशन का निर्णय हो गया है और बिल्डिंग या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले सीजीएमसी को ही करना था, लेकिन आज निर्णय हुआ है कि अगर उसमें विलम्ब होता है तो चूंकि राज्य सरकार राज्यांश देती है, केंद्र सरकार के भी पैसे आते हैं और तीनों मेडिकल कॉलेज में इसी साल से एडमिशन की अनुमति भारत सरकार के द्वारा मिल गई है, छत्तीसगढ़ को इन सीटों का इजाफा हुआ है, तो इसको अगर बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी ताकि इसमें और द्रुत गति से कार्य हो सके। विद्युत के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तीनों योजनाएं जो आपके समक्ष रखा, एक तो पंप स्टोरेज आधारित, ये इसमें लैंड एक्विजिशन का कोई कास्ट नहीं आएगा, हमारे पास इधर सिकासार से लेकर उधर हसदेव तक और रिहन तक ऐसी वैली है, ऐसी नदियां हैं जो ग्रेविटी से काफी तेजी से बहती हैं, टरबाइन उसे चलाया जा सकता है, तो पानी को स्टोरेज करके उसी टरबाइन का उपयोग करके हम हाइड्रो पावर में आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में लगभग इससे अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इस संदर्भ में भी इसको निर्णित किया गया है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो हमारा जो हम लोगों ने बनाया था, नीति बनाया था, वो उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 7 इस प्रकार से हाइड्रल पावर हमारे यहाँ संचालित है जिसमें 75 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होता है। आने वाले समय में 6 और हाइड्रल पावर का जो हम लोगों को निर्माण करना है जिसमें 83 मेगावाट का और विद्युत का उत्पादन होगा, तो उसके लिए इस अवधि जो हमारी नीति है उसकी अवधि को बढ़ाया गया है। एक आखिरी निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए कोऑपरेटिव एक्ट के तहत 0% ब्याज में देने का जो निर्णय हुआ है, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने धान के विकल्प के रूप में भी हॉर्टिकल्चर की फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9000 की बजाय 10000 रुपये प्रति एकड़ देने का जो निर्णय लिया है, तो लोगों का उधर झुकाव और रुझान बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में इससे और हॉर्टिकल्चर और उद्यानिकी की दिशा में लोग बढ़ेंगे, इसलिए 3 लाख तक के ऋण को 0% ब्याज पे किसानों को देने का ये महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट से लिया गया है। अकबर भाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, सम्मानित बाकी सभी, आज जो भी निर्णय हुए उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय रविन्द्र चौबे जी ने दे दी है। इसमें 2 बातें और हैं, एक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया जाना है, इसके बारे में भी निर्णय लिया है, और ये BPP स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई फिल्मी 25 दिवसों में इसका फिल्मांकन किया जाएगा। इसके अलावा एक निर्णय और इसमें जो जानकारी रह गई है कि राज्य शासन द्वारा जो अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र हैं बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा गौरेला, पेंड्रा और कोरबा, इन जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ पे जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी जिनकी नियुक्ति हुई है, तो उसके बारे में संभागीय स्तरीय पदों पर जो नियुक्त और जिला स्तरीय पदों पर जो नियुक्त हुए हैं, तो उनको
उनकी प्रतिनियुक्ति संविलियन उनका स्थानांतरण संलग्नीकरण जिला और संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा, वो वहीं पे कार्यरत रहेंगे, वो दूसरे जिलों में या दूसरे संभाग में उनको नहीं भेजा जा सकेगा। तो इस प्रकार के सारे निर्णय की जानकारी आपके सामने है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से यदि आपको कोई प्रश्न करना है तो बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी जी, मंत्री तो 13 ही मंत्री है, उससे ज्यादा तो रख नहीं सकते हैं, है ना। तो विभाग तो हो सकता है एक मंत्री के पास रहे या दो मंत्री के पास रहे या तीन मंत्री के पास रहे, अलग अलग विभाग के। जब विभाग अलग अलग है तो अलग अलग मंत्रियों की दिया भी जा सकता है, अभी तो एक ही मंत्री के पास रहेगा। लेकिन डायरेक्टर जो है, सचिव ही हमारे पास लिमिट है, तो एक सचिव के पास कई विभाग हैं, अभी भी हैं, हो सकता है कि हो और हो सकता है दूसरे को दिया जा सकता है। जब अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग सचिव को भी दिया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डायरेक्टर भी एक ही था, अब तीन डायरेक्टर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ ओलंपिक को लेकर के छत्तीसगढ़िया जो खेल है उसको बढ़ावा देना है, चाहे वो गिल्ली डंडा है, पिट्टूल है, दौड़ है, भावरा है, बिल्लस है, लंगड़ी दौड़ है, कबड्डी है, खो खो है, रस्सी खींच है, और 100 मीटर दौड़ है, लंबी कूद है, ये सब खेलों का 14 प्रकार के खेलों का आयोजन होगा जो हमारे छत्तीसगढ़ में अमूमन सब खेलते हैं, चाहे शहर में हो चाहे गाँव में, इनका आयोजन होगा, जिसमें महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग है 18 वर्ष तक के, और उसके बाद 18 से 40 वर्ष तक के लिए, और 40 से फिर अधिक आय वर्ग के लिए भी खेलों का आयोजन होगा। ये जो आप लोगों ने सुगर वाला नया हॉस्पिटल लेकर के आया है, कि किसान से अगर किसान परमिट करता है तो वो रेंट पे अपनी जमीन दे सकता है, तो ये किसको देगा, प्राइवेट प्लेयर्स को देगा या फिर सरकार को? देखिए, ये तो प्राइवेट प्लेयर ही आएंगे और एग्रीमेंट उनके बीच होगा। लेकिन जो पैसा भुगतान है वो हमारे मतलब शासकीय विभाग विद्युत जो मंडल है उसके द्वारा होगा। वो प्राइवेट पार्टी पैसा जमा करेगा हमारे जनरेशन में, और वो फिर पैसा किसान को मिलेगा। तो किसान को पैसा मिले ये सुनिश्चित करने के लिए जनरेशन कंपनी से ही उसकी भुगतान की जाएगी, और कोई उसकी बाध्यता नहीं है कि आपको एग्रीमेंट करना ही होगा, आप नहीं देना चाहे नहीं दें। इस प्रकार से और अन्य राज्यों में इस प्रकार से प्रस्ताव हैं, और इसको अभी उनका DPR बन रहा है, हम लोग भी उसका DPR बनाएंगे, और इससे होगा कि हमारी जो थर्मल पावर है उससे सस्ते दर पे बिजली मिल सकेगी, और जो कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उससे भी बचा जा सकेगा। और प्राइवेट किसान लेना चाहें तो बहुत आकर्षक, और धान की खेती में मान लो 25,000 रुपये बचता है, इसमें 30,000 रुपया सालाना उसको मिलेगा, कास्ट भी नहीं लगना है, और 6% की वृद्धि भी है हर साल। लेकिन प्राइवेट पार्टी जो है सीधे भी कर रही किसानों को 40,000 रुपये तक में कई लोग मिले, 25,000 दिया। अच्छा दिया, अच्छा उसे ज़्यादा हम ले सके तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन इसमें शासन के द्वारा ही सुनिश्चित, अब उसमें प्राइवेट ले लिए हैं तो किसान और उनके बीच के एग्रीमेंट है, और यदि नहीं हुआ, पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर शासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और अभी तो जनरेशन कंपनी है, वो गारंटी दे रही है उसको पेमेंट करने के लिए। 25 बेस प्राइस होगा या किसान के साथ बातचीत में ऊपर जा सकता है? 30,000 अभी है, अभी तो 30,000 का प्रस्ताव है। शासन के यदि ग्रिड के नीचे यदि शासन की जमीन है तो हम 1 रुपये फुट में देंगे, 1 रुपये एकड़ में। सर, आप लोगों ने कहा कि 12,489 पदों पर भर्ती होगी, पिछली भर्तियां अभी भी कुछ रुकी हुई है, बार बार आरोप लगता है, क्या इस बार सेटअप बनाया गया कि जितने दिनों में पूरी चली जाएगी? नहीं, उस समय भर्ती परीक्षा हो गया, परीक्षा के बाद पुलिस वेरिफिकेशन का है, तो वो तो कराना ही पड़ेगा, और नहीं तो नौकरी के बाद पुलिस वेरिफिकेशन यदि निगेटिव आ गया फिर क्या होगा, इसलिए उसको पहले से करा रहे हैं। पिछले अनुभव जो है वो अच्छा नहीं रहा, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन करा रहे हैं, और अधिकांश उसमें ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ बचे हैं
वो ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात तो है नहीं। चुनाव से पहले हो जाएगा हमारी को, हम तो जल्दी करना चाहेंगे। सर पिछले दिनों 10,000 अन्य भर्तियों की घोषणा होती है, उससे अलग है कि 10,000 से नहीं, अब वो 12,400 89 10,000 की जगह 12,489 करेंगे। ये 30 विभागों का जो गठन हो रहा है, इसका कोई पॉलिटिकल इंप्लिकेशन भी है क्या? देखिए इसी सीधे बात है कि इन वर्गों को इससे लाभ मिलेगा, अपनी बात है शासन तक के रख सकें। मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होगी और वो सलाहकार सलाह देंगे और हो सकता है उसमें बहुत सारे निर्णय उसमें उस पक्ष में हो तो फायदा होगा समाज। जो है योजनाओं का ठीक से नहीं हो पा रहा, समाज की डिमांड भी थी, और जो कि ये बहुत बड़ा वर्ग है अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग और ST तो बहुत बड़ा हो जाता था, तो इसलिए डायरेक्टेड एक होने के कारण से क्रियान्वयन में कहीं कहीं दिक्कत तो आती थी, लेकिन इसे तीन अलग अलग डायरेक्टेड होंगे, हर वर्ग के लिए अलग डायरेक्टेड हो जाए से होने से उसका लाभ मिलेगा। इसमें जो प्राइमरी स्कूल जैसे आपने कनिष्ठ बोर्ड बनाया हुआ है, एग्जाम जाकर के छोड़े गए, व्यापम के हो, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट में उस प्रकार से अध्यादेश जारी हुआ था, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया। व्यापम से